हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ये घटना चक्र का सीरीज है जीएस पॉइंटर, जो कि पीसीएस जे एपीओ, जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं और प्री के एग्ज़ाम होते हैं, आयोग द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ने लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। आपको 50% क्वेश्चन इन्हीं इर्द गिर्द से मिलेंगे, जो कि हमें ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है। जहाँ जहाँ संरक्षित चीज़ें और अच्छी मटेरियल मिल जाए, वही सबसे बेहतर होते हैं। मैं अब शुरुआत नहीं कर मैं जो है अपनी बातों को शुरू करता हूँ। ये घटना चक्र है, जो कि ये जीएस पॉइंटर से संबंधित है। ये भूगोल है, जो कि भूगोल से संबंधित जो भारत के भूगोल है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उससे हम इसे आज अध्ययन करेंगे। ओके, आज हम सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे और भी अदर टॉपिक लेंगे। तो ये क्षेत्रफल की बात करता है, भारत के क्षेत्रफल क्या है, भारत के बारे में सही कथन कीजिए। भारत क्या है? पहला है, ये स्थल मंडलीय को कुल क्षेत्रफल है। क्या है ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का? लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। जितने स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल में 2.4% भाग जो है वो अधिकृत किए हुए हैं। अब सिकंड कहता है, 82.3 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय है, यानी 82.3 का पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि 82.3 जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारत मानक समय के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मानक समय का रेखा जो है, अगर ग्रीनविच रेखा से भारत का रेखा देखा जाए तो 5.5 घंटे का फर्क है। मानक समय का जो एक सेंट्रल बताया जाता है कि इलाहाबाद नैनो जो है, वहाँ से मानक समय रेखा का मिलाया जाता है। इलाहाबाद का एक छोटा सा स्थान नैनी से जो है मानक समय रेखा जो है का वहाँ देखा जाता है। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल का विश्व का क्या है? ये सातवां सबसे बड़ा देश है। ये विश्व में जो है सातवां का सबसे बड़ा देश, भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है, जनगणना 2011 के अनुसार। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% बताया गया है। भारतवर्ष में गांवों की जनसंख्या कितनी है? लगभग 6,40,000। भारत के गांवों की संख्या कितनी? लगभग 6,40,930 टोटल गांवों की संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम आते हैं अक्षांश विस्तार। भारत विस्तृत है 8.4 उत्तर में है, 37.6 उत्तरी अक्षांशों पर है, 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, और 68.60 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये उत्तरी आप दिखाई नहीं जाता, उत्तर दिखाई देता, उत्तर कहाँ से मापा जाएगा? जो कि उत्तरी दिखाया जाता, भारत का जो गोलार्ध है, दक्षिण पूर्व जो है, भारत का जो गोलार्ध है दक्षिण उत्तर, यानी जब आप पूरा आप एक तरफ से अगर देखा जाएगा तो मैप के अनुसार ये पूरा मैप है। एक मिनट, ये पूरा मैप है, पूरा वर्ल्ड का गैप का मैप है, और बीच में ये जीरो रेखा है। अब यहाँ जो है भारत है, यहाँ इस हिस्से में भारत है, इस हिस्से में भारत आपका, तो इस हिस्से में तो यहाँ क्या है, इस हिस्से में भारत है। तो ये जो है यहाँ जो यह नीचे है 8.4 है, यहाँ 37.6 है। और जो भारत की जो कहा जाता है कि इन ग्रीनविच रेखा से जो उत्तरी पूर्वी सॉरी जो आपका देशांतर रेखा है और ये सारी रेखाएं हैं, सारा ज्ञान में नहीं आ रहा है, तो ठीक है आप समझ लीजिएगा भी, जैसे भी करके ज्योग्राफिकल में आप देख लीजिए। मुझे ज्योग्राफिकल का मैं खास स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं तो एक क्या नाम है PCSJ का विद्यार्थी हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ मतलब जो है इसके इफेक्ट हैं ठीक, और मैं इसे क्षमा चाहता हूँ।
और इसके बाद में देखिए 68.60 पूर्वी से लेकर 97.25 जो है पूर्वी देशांतर के मध्य है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्या होती है भारत के, भारत में लगभग बीचों बीच से होकर क्या गुजरती है, तो कर्क रेखा है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से। जिस जिले में 70 पूर्वी दशांतर रेखा गुजरती है उसे जैसलमेर कहा जाता है। और देखिए भारत की कर्क रेखा, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन सा स्टेट, गुजरात। दूसरा कौन सा स्टेट, राजस्थान। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बाद में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों में। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन में कर्क रेखा से निकटतम दूरी स्थित नगर कौन सा है, गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों से कर्क रेखा को निकट कौन सा है, कोलकाता है। भारत में दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23.23 अंश अक्षांश कर्क रेखा है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में कर्क रेखा तो उत्तर भारत स्थित, भारतीय स्थित मणिपुर, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून माह के दिन अधिकतम अवधि होती है दिल्ली से मानक समय। जब भारतीय मानक समय योगमत्तर अधरात्रि है, एक स्थान से सुबह 6 बजता है तो उस स्थान के अवस्थित जो जिस योगमत्तर है पर है वो 172.172 अंश 30 पूर्वी है। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वाला वलांग के समय निकट के घंटे के अंतराल कितना होगा, तो 2 घंटे होंगे, 2 घंटे फर्क होते हैं। सत्य कथन दीजिए, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच चेन्नई की तुलना में बेंगलोर के अवस्थित अधिक वर्ती है। रीवा सागर उज्जैन तथा होशंगाबाद शहर में भारतीय मानक समय आईएसटी देशांतर के निकटतम शहर रीवा। यदि भारतीय मानव समय के अनुसार भारत में 10 बजता है तो 92.2 पूर्वी देशांतर का शैलांग स्थानीय समय होगा 13.38। यदि भारतीय मानव समय यमुनोत्तर के मध्यान है तो 120 पूर्वी है देशांतर स्थानीय समय होगा 14.30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय देशांतर है से है रेखा से है 82.30 गुजरती इलाहाबाद से। भारत के पारंपरिक मध्यान रेखा कहलाती है 22.30 पूर्वी देशांतर से। भारतीय मानक समय आईएसटी न्यू ग्रीनविच के माध्यम से जीएमटी अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे से। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होते हैं तो आईएसटी होता तो गुजरात कंडला का सूर्य लगभग कितने बजे पहुंचेगा, तो 7 बजे। ओके, फिर तो देखते हैं दूरस्थ बिंदु। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत का दक्षिण बिंदु स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है तो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। भारत का सबसे सुदूर पश्चिम बिंदु है 68.7 पूर्व में गौरमाता और गुजरात में अवस्थित है। 68 जो पूर्व है उसमें कौन सा गांव पड़ता है, गौरमोता गुजरात में है। सीमावर्ती देश देखते हैं, सत्य कथन देखते हैं। आसाम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है। आसाम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम के राज्यों से राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश नहीं बनाते तो मणिपुर। बांग्लादेश किस देश की सीमा बनाती है तो मेघालय से बनाती है, त्रिपुरा से बनाती है, मणिपुर से बनाती है, मिजोरम से बनाती है, मणिपुर से नहीं बनाती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं तो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य मेघालय है, असम 2 है, पश्चिम बंगाल 3 है, त्रिपुरा 4 है, मिजोरम 5 है। ओके,
सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से भूटान की सीमा नहीं मिलाती है। तो भूटान की सीमा कौन नहीं मिलती है? तो मेघालय नहीं मिलती है। वो भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार में उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, असम। पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले भारतीय पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल का पड़ोसी भारतीय राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों की बांग्लादेश में अपनी सीमा नहीं बनाते, तो नागालैंड है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेडक्लिफ रेखा द्वारा। ड्रोन लाइन भारत की सीमा से निर्धारित करती है अफगानिस्तान से तथा भारत की पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के उदाहरण से। उत्तर पूर्वी सीमा भारत नदियों में उत्तर पूर्वी सीमा से सीमांकन करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल मध्यस्थ द्वारा। नेपाल, भूटान, चीन यू सीमाओं को मिलने वाली भारतीय राज्य कौन सा? सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बांग्लादेश से घिरा हुआ है राज्य त्रिपुरा। भौतिक विभाजन भारत में प्राकृतिक देश प्रदेश भारत के प्राकृतिक प्रदेश भारत के उपबंद पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। उत्तर के भारत के अस्थल पिंड सरका है तो उत्तर की ओर से है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसका कुछ जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है चार प्राकृतिक प्रदेशों से। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यह हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव होता। देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता है। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। मानसून के प्रतिरूपण वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध सही है तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार के विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी रचना व गंगा मैदान की रचना अग्रस्त होती है। भारत पश्चिमी समुद्र तट को निर्माण होता है भूम के उत्थान निर्माण के कारण। ओके, सम्मिलित कीजिए दक्कन ट्रेप और दक्कन ट्रेप जो है क्रिस्टोसिस अद नूतन, पश्चिम घाट, उत्तर मैदान, आरावली, प्रीक्रिम्बियन, नर्मदा ताप्ती, अत्यंत नूतन। तो दक्कन ट्रेप है क्रिस्टोसिस अद नूतन, पश्चिमी घाट है उत्तर नूतन, अरावली, प्री क्रिम्बियन, नर्मदा ताप्ती, अत्यंत नूतन। केरल के कुड्डानाडा में प्रसिद्ध भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसमें केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ये AFO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण विस्तृत कृषि विरासत प्रणाली गैस घोषित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये हिमालय के निकलने वाली सभी नदियां सतत वहानी हैं। कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये आर दोनों सही है, ये आर का सही व्याख्या है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वहानी हैं, ये आर है कथन कहता है। कारण कहता है हिमालय नदियों से उद्गम स्रोत हिमालय नदियों में स्थित है, तो ये आर दोनों सही, आर का सही पुष्टिकरण है। हिमालय की रचना समांतर जो है वाले श्रेणियों में जिसमें प्राचीतम श्रेणी बृहद श्रेणी बृहद श्रेणी है। उत्तर पूर्व में भारत हिमालय क्षेत्र के सारे फैला हुआ मैदान है जिसे कहा जाता है भाबर। हिमालय पर्वत प्रदेशीय भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत का पर्वतीय प्रादीय प्रदेश को क्या है? शिवलिक। शिवलिक पहाड़ी हिस्सा है हिमालय का। शिवलिक श्रेणी का निर्माण होता है सेनोजाइक पैलोसीन युग में। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 8500 लेकर 1200 मीटर तक मध्य। शिवालिक शैल का समूह दक्षिण पाबर क्षेत्र में उदाहरण है गिरपित के स्थित में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सिक्किम यू हिमाचल प्रदेश हिमाचल की श्रेणी में हिस्सा है तो उत्तर प्रदेश है। हिमालय तड़ो वरित पर्वत नबीन मोरदार पर्वत के साक्ष कहे जाते सकते हैं। तो गहरे गड्ढे यू घुमाव वाले नदी मार्ग समांतर पर्वत श्रेणी भूस्खलन के द्वारा उत्तरदायी होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए,
ये भारत के जो पर्वत रेंज की सरणी है आप देखते हैं, ये सरणी है, एक सरणी हो गए दो, एक सरणी हो गए आपका, दूसरा सरणी है, तीसरा सरणी, चार सरणी है, जो जिसमें चार सरणी है, चार, एक दो तीन और चार अंक की सरणी का क्रमशः है। आप देखते हैं काकोरम, काकारम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, एक एक में कौन सा है, तो यहाँ एक में जो है पहला क्या है, काकारम है, यहाँ क्या है, काकोरम है, पर्वत श्रेणी है, दूसरा क्या है, लद्दाख है, यहाँ क्या है, लद्दाख है, तीसरा क्या, जास्कर है, और चौथा क्या है, पीर पंजाल है। पहला क्या है, सबसे ऊपरी है काकोरम, दूसरे नंबर पे क्या है, लद्दाख है, तीसरे नंबर पे क्या, जास्कर, जास्कर है, चौथे नंबर पे क्या, पीर पंजाल है। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है सियोलिक के महान हिमालय के मध्य है, पश्चिमी भाग हिमालय की सरणियों के दक्षिण ओर की ओर, सही क्रम है, सियोलिक लघु हिमालय गहन महान हिमालय है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है सियोलिक, दक्षिण भारत में नवीन चट्टान प्रणाली है गोंडवाना, ऊंचा वत आकृति के दक्षिण की ओर से बढ़ती हुई, सही क्रम है धोलाधर, जास्कर, लद्दाख और काकारम, काकोरम श्रेणी है। हिमालय उत्तर प्रदेश की दिशा में, दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम के लिए कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्ण, धौलागिरी। हिमालय से पूर्व की पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम कीजिए, तो पूर्व से पश्चिम में क्या पहले पड़ेगा, पहले पड़ेगा पूर्व में कंचनजंगा, फिर क्या पड़ेगा, एवरेस्ट पड़ेगा, एवरेस्ट के बाद अन्नापूरी, धौलगिरी, धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना ट्री लाइन का ऊंचाई ऊंचाई मान पश्चिम के हिमालय में होता है, कम होता है। हिमालय की पहाड़ियां श्रृंखला में ऊंचाई से साथ साथ करोड़ों के वनस्पति में परिवर्तन आता है, तो तापमान में गिरावट, वर्षा के बदलाव, मिट्टी का उपजाऊ होना। उत्पत्ति की दृष्टि से भारत का निम्नतम पर्वत श्रेणी है, तो पटकाई श्रेणी हिमालय में है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न है, तो त्रिपुरा है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी स्थित है, बृहत्ते हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य होता है, अक्साई चीन का भाग होता है, लद्दाख का पठार होता है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है, 800 मीटर, एसएसएल जो है 8,848 मीटर है, पहले था 8,850, अब 848 क्या ना, 8,848 पहले था, अब 8,850 हो गए हैं। हिमालय पर हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, दक्षिण योग भारत के दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों पहाड़ियां। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, राजस्थान में अरावली श्रेणी स्थित है, राजस्थान में अरावली श्रेणियां की अनुमति आयु कितनी, 570 मिलियन वर्ष। रेजी डियोन पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अन्नामूढ़ी। पर्यायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामूढ़ी। नर्मदा नदी की ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर पहाड़ियों में सही क्रम के लिए, तो उत्तर से ओर से शुरू और दक्षिण की ओर तो पहाड़ियों का सही क्रम, पहले पड़ा नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलीगिरी पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, ये आती सबसे लास्ट में जो दक्षिण में है, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, दक्षिण से उत्तर नीलागिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। पूर्व की घाट और पश्चिम की घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों से। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलने वाले स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। भारत समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल से मुंबई और पश्चिम दक्षिण के लगभग 4,445 किलोमीटर दूर करके 15,500 मीटर ऊंचे पर्वत को खोज की, इसका पर्वत का नाम किया गया है रमन सागर पर्वत। अरावली सतपुड़ा अजंता के सह्याद्री पर्वत श्रेणी में से वो केवल राज्य में विस्तृत है, तो अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक की गोवा पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। पहाड़ियों को दक्षिण ओर से बढ़ते हुए सही क्रम के लिए दक्षिण ओर से पहले सतलाम पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ,
कर्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों से सीमाओं पर स्थित हैं तो केरल तथा तमिलनाडु पहाड़ियाँ, चौराय पहाड़ियाँ कब स्थित हैं तमिलनाडु में, बालाघाटा श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडो पहाड़ियाँ, समतल पहाड़ियाँ महाराष्ट्र स्थित है तो मांडो पहाड़ियाँ, चाहे सम्मिलित कीजिए महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वी भारत में है, महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग है, धूपगढ़ चोटी के स्थित है सतपुड़ा रेंज है, रतनगिरी की पहाड़ियाँ भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट पे, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले से कौन थी तो बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले यात्री को महिला कौन थे जुंको तबेबाई नेपाल की थी, दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी है संतोष यादव है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सा तो संतोष यादव, भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गाडविन आस्टिन है, हिमालय की ऊंची चोटी को चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल या सिक्किम में, नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में, आरावली का उत्तम शिखर गुरु शिखर में है, हिमालय की चोटियों में पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम तो नामचा, हिमालय की जो चोटियाँ पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व में क्या है नामचा है, बरवा है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट नंदा देवी है, गोसाई थान कमेंट था नंदा देवी एक तुसला पर्वत शिखर में से भारत में अवस्थित शिखर नहीं है तो गोसाई थाना है, शहीद सुमृत के माउंट अबू आरावली पहाड़ियाँ, कंडोमलाई का पहाड़ियाँ, मलिन पहाड़ियाँ, उत्तकंडमंग पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला धौलागिरी शहरी स्थित हैं, घाटियाँ हैं कुल्लू घाटियाँ जिनमें पर्वत श्रेणी बीच अवस्थित है तो धौलाधर तब पीर पंजाल, नैलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में, सही सुमृत के घाटिया राज्य, मूर्ख घाटी जम्मू कश्मीर में है, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है, जुक्कू घाटी नागालैंड में है, मरखा घाटी कहाँ है जम्मू कश्मीर में, जुक्कू घाटी कहाँ नागालैंड में है, संगला घाटी कहाँ हिमाचल प्रदेश में, युथांग घाटी कहाँ सिक्किम में है, तो फिर से देखते हैं मरखा घाटी कहाँ जम्मू कश्मीर में है, जुक्कू घाटी कहाँ है तो नागालैंड में है, सांगला घाटी कहाँ हिमाचल प्रदेश में, युथांग घाटी कहाँ सिक्किम में है, निम्नलिखित में से कथन करिए, एक मिनट। अब देखते हैं दर्रे से संबंधित सवाल हैं, सेला दर्रा स्थित कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में है, पालघाट स्थित कहाँ है नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है, भोरघाट स्थित कहाँ महाराष्ट्र में है, लिपु लेक दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, ले जाने का रास्ता जुजिला दर्रा, नाथुलाल दर्रा कहाँ है सिक्किम में है, 2006 में मध्य भारत के और चीन के बीच व्यापार बढ़ने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा, सही सुमृत कीजिए, माड़ा कहाँ उत्तराखंड में है, माड़ा किस स्टेट में उत्तराखंड में है, जुजिला किस स्टेट में जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड में है, सही सुमृत कीजिए, बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, जलपा सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में है, शिवकला उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, पश्चिम दर्रों में अवस्थित से सही क्रम कीजिए शिवकला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडी ला, हिमरेखा से हिमनंद, हिमालय में हिमरेखा है 43,000 से लेकर 6,000 मीटर के बीच पूर्व में, सबसे बड़ा हिमनंद है सियाचिन, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, हिमालय के हिमनद से पिघलने से गति सबसे अधिक है, उत्तराखंड में कुमाऊं प्रसिद्ध अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद है, अब पठार के बारे में जो है हम जान लेते हैं, पठार है भारत में दक्कन में भारत के दक्कन पठार विशाल निर्मित लावा सेल का निर्माण हुआ है क्रस्टेशियस युग में, क्रेटेशियस युग में, मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीप खंड का, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित है तो पेलियोज़ोइक महाकल्प में, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर पठार अवस्थित है एक अग्र गंभीर, नीचे दिए गए मानचित्र तो देखिए ABCD द्वारा अंकित है, तो पहला रिफ्ट की घाटी,
छत्तीसगढ़ यहाँ पे इसे छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर, पठार वर्षा ही छोड़ा जाते हैं। मालवा पठार का छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप पठार से आरावली विंध्य श्रृंखला से मध्य स्थित पठार है, मालवा का पठार है। दंकर क्षेत्र से अवस्थित छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। दंकर क्रय भारत में स्थित है तो मध्यवर्ती क्षेत्र। अब देखते हैं तटीय भाग, भारत का तटीय भाग देते हैं। भारत का औसत समुद्र तल का नापा जाता है तो चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार है तो तट से 12 समुद्री मील तक है। सब भारत का सबसे तट रेखा कुल लंबाई है लगभग 17,500 है। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है तो गुजरात राज्य का है। भारत में तट रेखा से लगे राज्य 9 है। भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल रचनात्मक नामक शोध है तो हिंदी महासागर है। भारत पश्चिम घाट देखते हैं। भारतवर्ष में पश्चिम घाट तटीय शहर कन्नौज, नाई नगर, कोयला, जंजीर, यू सिंधु दुर्गा में उत्तर दक्षिण से सही क्रम है तो जंजीर, कन्नौज, नाइगर, कोयला, सिंधु दुर्ग। आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखा डेनम वर्कस मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुई करती है एक अनूठा नगर है उसका दुर्ग नगर, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उज्जर तग्र सब मिलकर अद्भुत रतन बाबा बन जाते हैं जो उसका अतिरिक्त वर्ण स्थान है तमिलनाडु में स्थित है। भारत के तटीय क्षेत्र में पर भाग घोषित करते हैं तो अंतर जलीय उच्चवच रेखा से जंजीर, उडप्पी, ओरावेल के तुति कोरेना शहर में भारत में पश्चिम अवस्थित जंजीर, उडप्पी, सागर पुलिन राज्य, दीघा पश्चिम बंगाल, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलंगुट गोवा, मरीन तमिलनाडु। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट का नाम है कोका कोरोमंडल। बात तट के कृषि डेल्टा से केप कॉमरन मतलब कोरोमंडल तट है, केप कॉमरन नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह शिखर पल्याक शिखर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च शिखर कौन सा? पल्याक शिखर है, सैंडल पीक के स्थित है, उत्तरी अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की संख्या 220 है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10 अंश जलमार्ग से आपस में पृथक किया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग में किस जिसे आन नाम से जाना जाता है तो कोंकण। भारत का द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है तो बैरन द्वीप का है। श्री हराकोटी अवस्थित पुलिकट झील से है। राम सेतु अदम ब्रिज होता है धानु कोडीसी। लक्षद्वीप अवस्थित है अरब सागर से है। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण भारतीय द्वीप में है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप कितने हैं? द्वीपों कितने? 36 द्वीप हैं। भाटकाला, अरनाला, मीनकाय, यू हेनरी द्वीप में भारतीय तट रेखा, सुदूरवर्ती द्वीप सरणी होती तो मीनकाय द्वीप में। भारत यू श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है साल सेता। सही द्वीप जो अवस्थित है वेदांत सौदा कच्छ की खाड़ी है। पीरम जो है खम्बात की खाड़ी है। द्वारका अरब सागर है। द्वीप है काठवाड़ा कट है। केरी क्रिक निविष्का स्थित है कच्छ के रन से है। सर क्रिक विवाद स्थित भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। दोस्तों आज मैं अपना जो है यहीं से ख़त्म करूंगा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है हम कल बताऊंगा। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, धन्यवाद।